بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. وعجل اللهم فرجه مولانا صاحب الزمان. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. 20वीं माह रमज़ान है. आज एपिसोड 20 में हम हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मौला वाका अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आज के दिन जो है दर्द के माहौल में हैं. कल की सुबह उन पर जो है ज़र्ब लगी थी 19वीं माह रमज़ान सन 40 हिजरी में. आज 20वीं माह रमज़ान है, इमाम अलैहिस्सलाम दर्द में हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम गम में है. अल्लाह जो है अमीरुल मोमिनीन के कातिलीन पर लानत करे. एपिसोड 20 में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम बात करेंगे. अलग अलग रवायात है, अलग अलग पॉइंट्स है. कुछ पॉइंट्स, कुछ रवायात मेंशन करते कि शायद वो अल्लाह के नबी थे, कुछ मेंशन करते हैं कि वो सिर्फ जो है ऐसे शख्स थे कि जिनको अल्लाह ने बहुत हिकमत अता की थी, बहुत नॉलेज एंड विजडम अता की थी. लेकिन यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम इस्लाम की हिस्ट्री में, क्योंकि अल्लाह ने क़ुरान मजीद में पूरा एक सूरा हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के नाम का है. सूरा नंबर 31 जो है वो, जिसमें 34 आयत्स हैं, अल्लाह ने 34 आयत्स का पूरा एक सूरा इस शख्स के नाम जो है क़ुरान मजीद में डाला है. तो चाहे वो नबी हो या ना हो, ये शख्स की लाइफ डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली नबियों की स्टोरीज में जो है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, लुक़मान हकीम भी इन्हें कहा जाता है. रवायतों में मौजूद है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो टाइम था उस टाइम पर जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम मौजूद थे. वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह की बहुत इबादत करते थे और जो बुरे काम हैं, जो गुनाह हैं, उनसे दूर रहते थे. अल्लाह ने जो है उन्हें हिकमत अता की थी, उन्हें विजडम अता की थी और ऐसे ऐसे वर्ड्स ऑफ विजडम जो है उनके मौजूद है. सूरह लुक़मान में भी मौजूद है और अहदीस में भी जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम के मौजूद है कि वो अपने बेटे को जो है हर बार कुछ ना कुछ एक वर्ड ऑफ विजडम देते. जैसे कुरान मजीद में है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला तुशरिक बिल्ला, के जनाब लुक़मान अपने बेटे को कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह सिर्फ एक है, खुदा सिर्फ एक है, डोंट Add anyone besides Allah. इन्ना शिर्का लज़ुल्मिन अज़ीम, यकीनन शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा ऑपरेशन है, इसीलिए अल्लाह के साथ किसी को मत जोड़ो. और भी जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को हिदायत करते हो, सारी हिदायतें अलग अलग रवायात, अलग अलग हदीस इंक्लूडिंग क़ुरान की आयतों में भी जो है मौजूद है. तो इस तरह जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो हुआ है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाने कि दीन इस्लाम में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं और उनके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है. आज 20वीं माह रमज़ान है, शब कद्र है रात को इंशाल्लाह, और साथ साथ आज की रात हमारे मौला वाका के इस दुनिया से जाने का दिन है. 21वीं माह रमज़ान की शब होगी, रात को इबादत में गुजारे, अमीरुल मोमिनीन के कातिलीन पर बेशुमार 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 लानत करे, गिरियाओजारी करे, अजादारी करे, इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत पर गिरिया करे और साथ साथ इस शब कद्र में इमाम अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करे कि अल्लाह वली आसर हुज्जत खुदा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील करे और हम सब को उनके नासिरीन में शुमार करे. दुआओं में ख़ास याद रखें मुझे और हम सब को. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मुहम्मद व अली मुहम्मद सलावात. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जल फरजहुम.